राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलेमा पर। तो आज हम लोग किंगडम प्लांटी के बारे में जानने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। हेयर वी सी प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज क्रिप्टोगैमी एंड सेकेंड वन इज फेनेरोगैमी। बोथ द क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी आर बेसिकली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट्स आर हिडन और एंड विजिबल। इन क्रिप्टोगैमी द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर हिडन, वेयर एज इन फेनेरोगैमी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर विजिबल। क्रिप्टोगैमी इन क्रिप्टोगैमी प्लांट्स विच डू नॉट वियर फ्लावर्स एंड सीड्स। क्रिप्टोगैमी में क्या होता है कि प्लांट इसके पास सीड्स और फ्लावर नहीं होते हैं, और वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं क्या? तो क्रिप्टोगैमी में प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। अब हम लोग देखेंगे कि फेनेरोगैमी में क्या क्या होता है। तो फेनेरोगैमी में फ्लावर्स और सीड्स होते हैं। सो फेनेरोगैमी पोजेस फ्लावर्स एंड सीड्स। अब हम लोग देखेंगे कि क्रिप्टोगैमी फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज थैलोफाइटा, द सेकेंड वन इज ब्रायोफाइटा एंड द थर्ड वन इज स्टेरिडोफाइटा। अब हम लोग थैलोफाइटा के बारे में जानेंगे। तो थैलोफाइटा आर बेसिकली एक्वाटिक प्लांट्स विथ अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। थैलोफाइट्स जो होते हैं सो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं विथ अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। उनका प्लांट बॉडी जो होता है सो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, जैसे कि स्पायरोगाइरा हो गया। एंड द सेकेंड वन इज ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या कहते हैं? सो ब्रायोफाइटा आर द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा जो होते हैं सो एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम के। और ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स ऑल मॉसेस एंड लिवर वर्ट्स। सभी मॉस और लिवर वर्ट्स जो होते हैं सो ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं। एंड द थर्ड वन इज टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं? तो टेरिडोफाइटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स। और ऐसा वैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स टेरिडोफाइटा को क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैस्क्यूलर टिश्यू। टेरिडोफाइट्स में वैस्क्यूलर टिश्यू होते हैं, इसीलिए टेरिडोफाइट्स को हम लोग वैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। सो टेरिडोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ फर्न्स। फर्न्स जितने भी होते हैं सब टेरिडोफाइट्स होते हैं। एंड द बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट स्टेम एंड लीव्स। टेरिडोफाइट्स में बॉडी जो है सो रूट्स स्टेम्स और लीव्स में डिफ्रेंशिएट करता है बॉडी। अब हम लोग आ जाते हैं फेनेरोगैम्स को। सो फेनेरोगैम्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म एंड द सेकेंड वन इज एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्या होता है? सो जिम्नोस्पर्म्स सीड्स डू नॉट इनक्लोज्ड बाई फ्रूट्स। सीड्स जो होते हैं सो फ्रूट से इनक्लोज्ड नहीं होते हैं। वेयर एज इन एंजियोस्पर्म सीड इज इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। सीड्स जो होते हैं सो फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स को में हम लोग कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स पोजेस नेकेड सीड्स, वेयर एज इन एंजियोस्पर्म सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट। फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या हो गया? पाइनस। और एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे, ठीक है? और एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल पपाया हो जाएगा। पपाया, टोमेटो, ये सब क्या होंगे? एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल, क्योंकि सीड्स जो होते हैं सो फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।